पेटीएम ने एक कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप अपने पेटीएम के वॉलेट के बैलेंस को आप यूज कर सकते हैं कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, बस में, मेट्रो कार्ड में भी आपका पेटीएम का जो कार्ड लॉन्च हुआ है उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड करके अमाउंट उस कार्ड को यूज कर सकते हैं जिससे आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप पेटीएम के वॉलेट कार्ड को कैसे एक्टिव करें और इसके क्या क्या बेनिफिट है, सारी डिटेल इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। अगर इस तरह के आप नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो भी पासवर्ड आप अपने लगा के रखे उसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद जो आपको यहाँ पे सिंपल सा काम है, यहाँ पे पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं आपको यहाँ पे पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपना पेटीएम वॉलेट को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना पेटीएम वॉलेट ओपन कर लेंगे दोस्तों, तो सॉरी यहाँ पे मेरा कार्ड पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन हो गया, तो आपको यहाँ पे पेटीएम वॉलेट ओपन करना है। पेटीएम वॉलेट ओपन करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं मैंने ये कार्ड एक्टिव कर चुका हूं। तो अगर आपको यहां पे एक्टिव करना है तो यहां जो जहां पे आपको दिख रहा है व्यू मैनेज कार्ड का ऑप्शन, यहां आपको एक्टिव नाउ का ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहां पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आपको एक्टिव नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्टिव नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं इस कार्ड की बेनिफिट क्या है जो अभी दिया गया है। इस कार्ड की बेनिफिट में जाएंगे तो आपको यहां पे इंट्रोडक्शन पेटीएम वॉलेट ट्रांजेक्शन कार्ड नो डू मोर विथ वॉलेट बैलेंस ऑन कार्ड फॉर ऑल योर पेमेंट, यानी आपका जो भी वॉलेट में बैलेंस है ये सभी बैलेंस आपका यूज होगा दोस्तों जो कि आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। मुझे इसका जो सबसे अच्छा पसंद आया दोस्तों, यहाँ पे आप इजीली इसको आप अपना मेट्रो बस में पेमेंट कर सकते हैं। आपको स्पेशली कोई भी मेट्रो कार्ड नहीं बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे मेट्रो में स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं अगर आप कहीं भी सफर करते हैं, और बस में भी आप कर सकते हैं। शॉप एट एनी स्टोर, यानी आप किसी भी शॉप में स्वैप करके भी इसे यूज कर सकते हैं। पे एनीवेयर ऑनलाइन, कोई भी ऑनलाइन चीज में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप ये कार्ड यूज कर सकते हैं। योर स्पेंड इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो आपको जो ये बेनिफिट है बहुत ही अच्छा आपका आइडिया है पेटीएम वाले का, क्योंकि ये आप अपना वॉलेट से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मेट्रो बस कोई भी ऑनलाइन जगह में। तो आपको इसे अगर एक्टिव करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे हाउ टू इज वर्क, यानी एक्टिविंग पेटीएम वॉलेट ट्रांजेक्शन कार्ड इज ईजी दैट योर नीड, तो आपको सबसे पहले जो आपका पेटीएम पेमेंट है बैंक का पासकोड होता है वो डालना है एक्टिव के ऊपर क्लिक करने के बाद। उसके बाद यहां पे अपना आपका कार्ड जो है एक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा सिर्फ पासकोड डालने के बाद। पासकोड डालने के बाद ये ऑटोमेटिक ही एक्टिव हो जाएगा और आप इस तरीके से आप इसी इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये कार्ड आपको डिजिटली मिलेगा दोस्तों, अगर आप इसे फिजिकली मंगाना चाहते हैं जो कि बहुत जल्दी ये ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर योर फिजिकल वॉलेट ट्रांजेक्शन कार्ड को, आपको यहां देख सकते हैं अभी ऑप्शन ये नहीं खुल रहा है, फिलहाल ये कमिंग सून में है, तो आपका ये ऑप्शन जल्द ही आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। अगर आप अपना सीवीवी एंड एक्सपायरी डेट देखना चाहते हैं तो आप अपना पासवर्ड डालेंगे, अपने जो कि आपके पेटीएम पेमेंट बैंक का है वही पासवर्ड आपका होगा, और आपका करना अपना कार्ड नंबर सीवीवी एक्सपायरी डेट आपको सभी डिटेल्स यहां आपको दिखाई देने लगेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने पेटीएम वॉलेट के ट्रांजेक्शन कार्ड को आप यूज कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप इसे एक्टिव कर सकते हैं, बल्कि वन क्लिक में आपको अपना पेटीएम वॉलेट का जो भी पासकोड है वो पासकोड डालना है और आपका ये कार्ड एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज इस वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।